गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका रामबाण अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जीडी वैकेंसी के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर रहे हैं हिंदी का, जिसका आपका नाम है क्रिया। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है हिंदी में जिससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया शब्द सुनते ही माइंड में क्या आ जाता है? कार्य। क्या आ जाता है? कार्य। इसका मतलब ये होता है कि क्रिया की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो क्रिया की जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है किसी शब्द में कार्य को करना या होना पाया जाता है। क्या होता है? होना पाया जाता है। अब देखो, आपको हमने क्या बताया था अभी, क्रिया का मतलब होता है किसी शब्द में कार्य को करना या होना पाया जाना। यानी कि आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए या उस कार्य को होने के लिए हम क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खेलना, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कूदना, फॉर एग्जाम्पल, हंसना, रोना इत्यादि। यानी कि ऐसे शब्द जिसमें हमें क्या पता है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं। तो आपको पता है पिछले ही साल UPSI में एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। क्या होता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अब देखो, धातु, धातु जो शब्द है ये क्रिया का ही मूल रूप है। जैसे आपने संस्कृत में देखा होगा जब हम पढ़ते थे पट पट पठंती, तो जो पट धातु है, क्या है? पट धातु जो है उससे ही तो हमारा शब्द बना है पढ़ना। तो चल धातु है उसी से बना है चलना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारी धातु होती है वही किसका मूल रूप है? क्रिया का ही मूल रूप है। यानी कि जो धातु शब्द है उसी से हमारे ये सारे शब्द बने हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी क्वेश्चन आए कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का जो मूल रूप होता है वो हमारी धातु होती है। आई होप सो कि इतना सभी को समझ आया होगा कि जब हमारे में किसी शब्द में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी क्रिया होती है। खेलना, कूदना, पढ़ना, हंसना, रोना। तो अभी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि इस शब्द में हमारी क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिखेंगे राम पढ़ता है, तो यहां पर ये पढ़ना क्या है? पढ़ धातु। और पढ़ धातु से क्या बना है? पढ़ता। और पढ़ना क्या होता है? क्रिया। यानी कि वो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्रिया का, वो आपका होता है कि क्रिया के भेद क्या होते हैं या क्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। जिस बच्चे ने क्रिया के भेद को समझ लिया, आप समझ जाना कि आप बता पाओगे कि हमारी जो क्रिया है वो कौन सी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जो आपको याद करनी है, सहकर्मिक क्रिया और दूसरा आपका होता है अकर्मिक क्रिया।
अब देखो आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, किसके साथ, कर्म के साथ, सकर्मक यानी कि कर्ता का किसके साथ होना, कर्म के साथ होना, हम उसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जब कोई मतलब कोई भी शब्द कर्म के साथ कार्य करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सकर्मिक कहते हैं। अब अकर्मिक का ही मतलब यहाँ समझ में आया, यानी कि कर्म के बिना। अभी बस समझेंगे इस बात को, रटना कुछ नहीं है। ऐसे समझो कर्म के कर्ता का कर्म के साथ होना और अकर्मिक का मतलब कर्ता का कर्म के बिना होना। इन दोनों में ये डिफरेंस समझाता है कि सकर्मिक और अकर्मिक में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है। तो देखो सकर्मिक यानी के स और कर्म दोनों ही एक साथ आए, यानी के किसके साथ, कर्ता के साथ कर्म का होना, इसे कहते हैं सकर्मिक। और कर्ता का बिना कर्म के होना इसे कहते हैं अकर्मिक। देखो एक और एग्जाम्पल दे के आपको समझाते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। आप इसमें लिख सकते हो, इसका मतलब होता है जिसमें कर्म की, जिसमें कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, क्या हो, कर्ता को कर्म की आवश्यकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर समझ लीजिए, यहाँ पर सपोज करो राम पढ़ता है, क्या करता है, राम पढ़ता है। तो देखो इसमें क्या है, राम पढ़ता है तो राम क्या करता है, पढ़ता है। तो यहीं पर एक चीज सकर्मक में और याद कर लो आप, यहीं पे एक क्वेश्चन मार्क भी है कि अगर कहीं पर क्या या किसको शब्द आ जाए आपके सेंटेंस में तो आप समझ जाओ वो सकर्मक है। कैसे, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई, किताब पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, लव लेटर पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो, तो आप बता सकते हो राम पढ़ता है। ठीक है, जैसे सोहन फॉर एग्जाम्पल लिखता है, क्या लिखता है भाई, पत्र लिखता है, बुक लिखता है, क्या लिखता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या शब्द आ गया, तो आप क्या समझ सकते हो कि वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। जहां पर हमें किसी भी पर्सन का उत्तर मिल जाए तो वो हमारा क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे वो उसको पढ़ाता है, किसको, शाम को, राम को, राधा को, मोहन को, किसको। जैसे एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, शाम हंसाता है, क्या करता है, शाम हंसाता है। वो ये नहीं कह रहा राम हंसता है, वो कहता है हंसाता है। तो पूछते हैं भाई किसको हंसाता है, राम शाम को हंसाता है, माँ को हंसाता है, पड़ोसी को हंसाता है, रिश्तेदारों को हंसाता है। तो आपको क्या है, दोनों ही चीजों का जवाब मिल गया, क्या और किसको, यानी कि वो किसको हंसाता है, शाम को राम को हंसाता है, या क्या पढ़ता है राम। आप यहाँ पे कहोगे राम पत्र पढ़ता है, राम न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो दोनों ही क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, आंसर मिल गया है। तो इसी तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जैसे ही अपने सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ेंगे, तो आपको बस ये देखना है कि मैं उस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के देखूंगा, सोहन लिखता है, तो जवाब मिल रहा है क्या मुझे, मेरे क्या का क्या लिखता है भाई, मिला जवाब क्या। तो जहां पर आपको किसी भी पर्सन का उत्तर मिले तो वहां समझ जाओ आपका सहकर्मिक क्रिया होती है, उसे हम सहकर्मिक क्रिया कहते हैं। ये एक सबसे बड़ी पहचान है कि क्या और किसको का अगर आपको जवाब मिल जाता है आपके क्वेश्चन में, तो आप बिना सोचे समझे समझ जाओ वो हमारी सहकर्मिक
क्रिया है। आई होप सो कि सबको ये बात समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन मत रखना, रटना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको सिर्फ अपने क्या और किसको का जवाब अगर मिल जाए तो आप समझ लो कि आप सहकर्मिक क्रिया है ये क्वेश्चन में। अब देखो एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। राधा रुलाती है किसको? बच्चे को रुलाती है, माँ को रुलाती है, किसको रुलाती है? तो आपको क्या हुआ, किसको का जवाब मिल गया। अब कहते हैं राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पत्र पढ़ता है। तो मींस क्या है, क्या और किसको का दोनों का ही जवाब मिल गया। आई होप सो कि आपको सहकर्मिक क्रिया क्या होती है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसमें पढ़ेंगे अकर्मिक क्रिया। एक बार से पूरा कंक्लूजन मैं लास्ट में दोनों में डिफरेंस भी समझा दूंगी, वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आप देखो कि जब आपने सहकर्मिक क्रिया पढ़ ली है तो अब हम पढ़ेंगे अकर्मिक क्रिया। जैसे ही अभी बिना कर्म की आवश्यकता के इसमें लिख सकते हैं जिसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं है, क्या है? जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो। देखो इसमें लिखा है जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, यानी कि अभी आपने देखा था सकर्मिक क्रिया में आपको कर्म की ज़रूरत थी और इसमें आपको कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वहाँ पर कहते हैं राम पढ़ता है, तो आपको पता क्या पढ़ता है? तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर जैसे आपने पूछा तो किसी का पत्र लिखता है, ये पढ़ता है, लेकिन इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पर समझ लीजिए, राम 12वीं में पढ़ता है, किसमें पढ़ता है? 12वीं में पढ़ता है। कोई आपसे आके पूछे राम क्या पढ़ता है, भाई क्या पढ़ता है, तो 12वीं में पढ़ता है। तो यहाँ पर तो कोई आपको कंफ्यूजन रहा है नहीं, आप सीधे बोल सकते हैं राम तो पढ़ता है बस 12वीं में। कोई ये थोड़ी पूछेगा 12वीं में क्या पढ़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या और किसको का जवाब नहीं मिला, तो यहीं पर आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि आपको पता लग गया कि इसमें क्या और किसको का आंसर मुझे नहीं लिया है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ लो, सीता रोती है, क्या करती है सीता? रोती है। अब सीता रोती है भाई, क्या रोती है, कोई बता सकता है किसको रोती है? नहीं रो, तो आप क्या है इसमें, सीता रो रही है बस, उसका काम खत्म हो गया है, उससे इससे आगे से कोई मतलब नहीं है। क्या किसको रोती है, क्या रोती है, भाई रोना तो रोना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ ये डिफरेंस इजीली समझना है कि जहाँ आपको कर्म की आवश्यकता ही ना हो, या जहाँ आपको क्या और किसको का जवाब ना मिले, जहाँ आपको आपके पर्सन का जवाब निरर्थक हो, जहाँ पर आपको आपके पर्सन का आंसर ना मिल पाए, वो आपका अकर्मिक क्रिया होती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ के देखना है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर मुझे क्या और किसको का जवाब मिल जाता है, जहाँ मुझे ये पता लग जाता है कि भाई मैंने क्वेश्चन करा और मुझे उसका आंसर मिल गया, तो वो हमारा क्या होता है, सहकर्मिक क्रिया होती है। और जहाँ पर क्या और किसको का जवाब हमें ना मिल पाए, तो वहाँ पर हमारा अकर्मिक क्रिया होती है। तो देखो अभी आप यहाँ पे दोबारा से ये चीज़ें समझ लो कि यहाँ पर लिखा है कर्म की आवश्यकता तो है नहीं, तो क्या आपसे कोई आके आप कहने लगो भाई राम 12वीं में पढ़ता है, तो कोई आपको क्या ये पूछेगा किसको पढ़ता है, या आपसे कोई ये पूछेगा क्या पढ़ता है? 12वीं में पढ़ता है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो या आपने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये सीता रोती है, क्या रोती है, किसको रोती है, नहीं, बस वो रो रही है और उसका काम खत्म हो गया। तो ये हमारा डिफरेंस होता है अकर्मिक और सकर्मिक क्रिया का। देखो अब एक बार दोबारा से इसको पूरा समराइज कर लेते हैं। देखो बहुत आराम से समझो,
पहली बात स के साथ कर्म है, यानी कि कर्म के साथ जब क्रिया होती है वो हमारी सकर्मिक क्रिया होती है। जब अकर्मिक, यानी कि जब कर्म के साथ कोई क्रिया ना हो, वो हमारी अकर्मिक क्रिया होती है। यहाँ पर क्या और किसको का उत्तर अगर हमें मिल जाए, क्या हो जाए, क्या और किसको का अगर हमें उत्तर मिल जाए, क्या हो जाए, उत्तर मिल जाए, तो वो हमारी क्या होगी, हमारी सकर्मिक क्रिया होगी। जैसे अभी मैंने बताया था राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है भाई, राम पुस्तक पढ़ता है। सोहन लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो आपको पता है कि इसमें आपको दोनों ही चीज़ों का जवाब मिल गया है। जैसे आप उसे बोल सकते हो सोहन हंसाता है, भाई किसको हंसाता है, तो किसको और क्या का आपको क्या हुआ, उत्तर मिल गया। तो आप यहाँ पे समझ जाओ ये आपकी सकर्मिक क्रिया होती है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं रखना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अब अकर्मिक क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती नहीं है और आपको उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है किसका, क्या का और किसको का। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो क्वेश्चन में से क्या और किसको का उत्तर ढूंढना। अगर उसका उत्तर मिल जाए तो वो आपका सकर्मिक क्रिया होते हैं, और अगर उसका उत्तर आपको निरर्थक रहे, उसका उत्तर आपको ना मिले, तो इजीली समझ लेना वो आपकी अकर्मिक क्रिया होती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, आप इसमें रहते कि वो अकर्मिक क्रिया में क्या होता है, वह रोता है, वह सोता है। अब कोई ये कह सकता है भाई राम क्या सोता है, राम किसको सोता है, नहीं, बस उसने काम किया और उसका काम खत्म हो गया, तो वो हमारी अकर्मिक क्रिया होता है। जिसने ये पूरा समझ लिया कि कर्मिक वो सकर्मिक और अकर्मिक क्या होता है, वो इजीली अपने दो नंबर इजीली यहाँ से सिक्योर कर सकता है और आगे वो कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्रिया की, सकर्मिक क्रिया और अकर्मिक क्रिया। रटना नहीं है, समझना है। एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़कर देखना, और पढ़ के देखने के बाद अगर क्या और किसको का आपको जवाब मिल जाए तो आपकी वो सकर्मिक क्रिया होती है, और अगर जवाब ना मिले तो अकर्मिक क्रिया होती है। चलो अब आगे का पढ़ते हैं। अभी तो आपने पढ़े थे क्रिया, अब के भेद जो क्या होता है, सकर्मिक क्रिया और आप कर्मिक क्रिया। अब आप क्या पढ़ोगे, क्रिया के उपभेद, क्या पढ़ोगे, क्रिया के उपभेद। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजीली समझना है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस जो मैं शब्द आपको लिखूंगी उन शब्द से ही आप उनका मीनिंग निकाल सकते हो, तो ध्यान से देखना। प्रेरणार्थक क्रिया, देखो प्रेरणार्थक क्रिया सुनते ही क्या है, प्रेरणार्थक, ठीक है, तो आप इनके मीनिंग से ही इसका मतलब निकाल सकते हो कि इसका मतलब क्या है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। थर्ड आपका होगा नाम धातु क्रिया, चौथा होगा आपका संयुक्त क्रिया, फिफ्थ होगा आपका संयुक्त क्रिया के बाद द्वर कर्मिक क्रिया, और सबसे लास्ट होगी आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ सहायक क्रिया। अरे बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम इतनी सारी क्रिया हमें याद करनी है। रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को सिर्फ समझना है। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा आता है पूर्वकालिक यानी के पूर्व से पहले, नाम के नाम धातु यानी के नाम के आपकी संज्ञा और धातु, आपको नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्वे कर्म यानी के जिसमें दो कर्म हो और क्रिया और सहायक क्रिया तो इजी है। तो अब आपको कुछ रटना नहीं है, चीजों को समझना है, इनके शब्द में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है। तो हम अब एक एक करके आराम से इन चीजों को समझेंगे। दोबारा से आपको समझा रही हूँ, रटना कुछ नहीं है, चीजों को सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो पहले प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या होता है, कर्ता खुद काम नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, यानी कि खुद नहीं करेगा वो, सामने वाले से करवाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखो, कर्ता कर्ता खुद काम नहीं करता, क्या नहीं करता, कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि किसी दूसरे से करवाता है, क्या करता है, किसी दूसरे से करवाता है। तो आपने प्रेरणार्थक सबसे क्या समझा, जहां काम हमें खुद ना करना पड़े दूसरे से करवाएं, तो वो हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम समझेंगे, सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया, सीता ने खुद नहीं बनाया, क्या करा, सीता ने पति से बनवाया, तो क्या है, इसमें कर्ता ने खुद काम नहीं करा है, दूसरे से काम करवाया है, तो वो हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अभी मैंने लिखा, सीमा ने फॉर एग्जाम्पल अपने पति से खाना बनवाया, तो इसमें क्या है, खुद नहीं करा भाई, दूसरे से काम करवाया है, यानी कि अपने आप काम नहीं करती है वो, उसका पति करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस क्रिया में कर्ता खुद काम ना करे बल्कि दूसरे से काम करवाए, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सोचना है मैं काम नहीं करूँगा, मैं दूसरे से करवाऊँगा। तो जैसे मैं कह सकती हूँ, आज मम्मी ने रितु से झाड़ू लगवाई, यानी कि मम्मी ने खुद नहीं लगवाई, किससे, रितु से लगवाई है, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना है कि जब कर्ता खुद काम ना करके दूसरे से काम करवाए, तो वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सबको समझ आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये रियलाइज़ करना कि काम कर्ता ने करा है या कर्ता ने किसी और से करवाया, तो वो हमारी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरी हमारी होती है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया को आप ऐसे समझ सकते हो, एक कार्य के होने के बाद जब दूसरा कार्य होता है, तो वह हमारा पूर्वकालिक क्रिया होती है। परिभाषा आप इसकी लिख सकते हो, किसी क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है का होना या होती है, हमारा क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझेंगे, पूर्वकालिक, मैं खाकर सोया, तो पहले मैंने क्या किया, खाना खाया, उसके बाद मैं सोया, या फिर हम बोलते हैं वो आकर गए, पहले वो घर पर आए फिर वो चले गए, या ये बोल सकते हैं पहले पापा आए फिर पापा सोए। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे ही समझिए कि पहले एक काम करने के बाद तब दूसरा किया, मैं खाकर सोया,
तो क्या है, मैं खाकर सोया क्या? उसने इसमें क्या है क्रिया जो आपकी है? पहले उसने काम क्या किया? पहले उसने खाना खाया, फिर वो सोया। तो यानी कि एक क्रिया के होने के बाद जब दूसरी क्रिया आपकी होती है तो आप उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे मेहमान आकर गए, तो यानी कि क्या, गए आए वो भी क्रिया, उनका आना और उनका जाना वो भी क्रिया। तो यानी कि एक क्रिया करने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो वो हमारी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। राम खाने के बाद सो गया, यानी कि खाकर सो गया। तो पहले तो उसने खाया ना, फिर वो सोया। तो यानी कि एक क्रिया को करने के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो वो हमारी क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है राम घर आकर चला गया, यानी कि पहले तो वो घर आया था लेकिन उसके बाद ही चला गया, तो वो हमारा क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। जो हमारा थर्ड होगा वो होता है नाम धातु। नाम धातु क्रिया, धातु तो आपको पता ही है। अब नाम से आपको समझ में आ गया है क्या? आपकी संज्ञा यानी के परिभाषा है जो संज्ञा वह संज्ञा वह विशेषण कि क्रिया बताए, किसकी? संज्ञा की और विशेषण की क्रिया करें, वो आपका क्या होता है? वो आपकी नाम धातु क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छे से इसका समझ में आएगा। हाथ हमारा क्या है? हाथ हमारी क्या है? संज्ञा है। और हथियाना यानी कि हमने क्या करा, उसके सारे पैसे हथिया लिए, हमने उसकी सारी जमीन हथिया ली, तो वो हमारी क्या हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई। क्योंकि अभी बताया था क्रिया का मूल रूप ही धातु होता है और नाम का मतलब आपका क्या होता है? संज्ञा होती है। यानी कि संज्ञा विशेषण की जो क्रिया होती है वो नाम धातु क्रिया होती है। जैसे यार वो आज बहुत गर्म है, ठीक है, तो उसका गर्माना, क्या? गर्माना। तो गर्माना क्या हो गया? आपकी नाम धातु क्रिया हो गई। तो आपको इसे ऐसे समझना है कि जब संज्ञा और विशेषण की जब क्रिया होती है तो वो हमारी नाम धातु क्रिया होती है। और नाम से आपको समझ ही आ जाता है कि किसी भी चीज संज्ञा, और अगर संज्ञा की बात करते हैं तो हाथ यानी कि हथियाना, किसी की जमीन को हथिया लेना, गरम गरमाना, ये सब चीज होती हैं आपकी नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो इजीली आपको समझ में भी आई होंगी ये सब चीज़ें। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले में आपने जो पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि जो आपकी क्रिया होती हैं वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो हमारी कौन सी क्रिया है। जैसे प्रेरणार्थक में आपने खुद ने नहीं काम करा, कर्ता ने दूसरे से करवाया। पूर्वकालिक में आपने देखा कि जो क्रिया थी वो एक क्रिया पहले खत्म होकर फिर दूसरी क्रिया होती थी। फिर तीसरे में आपने देखा कि नाम धातु होती है कि जो संज्ञा और विशेषण की जो क्रिया होती है वो आपकी नाम धातु क्रिया। अब आपका जो फोर्थ आ जाता है, फोर्थ में आप इसे पढ़ते हो संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया ये से कहते हैं ना, यूं कि तू क्या मैं खामा खा, वही यही है संयुक्त क्रिया। इसमें क्या होता है? दो या जब एक या एक से अधिक क्रिया क्रियाओं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम पहुंच गया, पहुंचना भी तो क्रिया है और गया भी क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है? फॉर अभी एग्जाम्पल लिख देती हूँ। राम घर पहुंच गया, अब देखो यहाँ पर क्या है? आपकी दो क्रियाएं, पहुंच गया जब वो, तो गया लगाने की जरूरत क्या है? लेकिन क्या है इसमें? एक और बार क्या लगा दिया इसने? एक क्रिया को और लगा दिया। तो इसका मतलब यह होता है कि जब एक या एक से अधिक क्रिया एक साथ आ जाए तो वो आपका क्या होता है? वो आपकी संयुक्त क्रिया होती है। अब देखो जब वो पहुंच गया तो दोबारा से गया लगाने की जरूरत ही क्या थी? एक और एग्जाम्पल से आप इसको समझो।
सोहन छत से कूद पड़ा। तो देखो आप ये भी तो बोल सकते थे, सोहन छत से कूदा खत्म, लेकिन इसने क्या है, सोहन छत से कूद पड़ा, यानी कि कूदना भी आपकी क्या हो गई, क्रिया, और पड़ा भी आपकी क्रिया। तो मींस क्या होता है, कूद गया, सॉरी, कूद गया, और ये भी आपकी क्या होती है, आपकी क्रिया होती है। तो ये आपका होता है संयुक्त क्रिया, जहां पर एक या एक से अधिक क्रिया एक साथ आ जाए तो वो आपका क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। अब आपका फिफ्थ आता है, तो है कर्मिक क्रिया। द्वकर्मिक यानी कि इसमें आपने क्या देखा है, जहां पर दो कर्म हो वहां पर आप क्या कह सकते हैं, द्वकर्मिक क्रिया हो। देखो इसे फॉर एग्जाम्पल से ही समझेंगे। माने रमेश को सेब खिलाया। अब इसका एक और सबसे बड़ी पहचान है, अगर आपने याद किया हो कि हमने सकर्मिक क्रिया में आपको बताया था कि जहां क्या या किसको का जवाब मिल जाए तो वो आपकी सकर्मिक होती है। लेकिन अब इसमें आपको क्या करनी है, जहां क्या का भी जवाब मिले और किसको का भी जवाब मिले तो वो आपकी क्या होती है, आपकी द्वकर्मिक क्रिया होती है। जैसे अब आपसे पूछे, राम राम ने क्या खाया, सेब खाया। क्या खाया, आ गया जवाब, क्या का, क्या खाया, सेब खाया। और राम राम को सेब किसने खिलाया, माँ ने खिलाया, किसने, माँ ने खिलाया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जहाँ पर आपको या क्या और किसको दोनों का जवाब मिले, या जहाँ पर दो कर्म एक साथ हो वो आपकी द्वकर्मिक क्रिया होती है। यानी कि जहाँ पर दो कर्म एक साथ आए वो आपकी द्वकर्मिक क्रिया होती है। अगर ये भी चीज़ आपको ना हो तो दोबारा मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर क्या और किसको दोनों का जवाब एक ही सेंटेंस में अगर आपको मिल जाता है तो आप इजीली समझ सकते हो कि वो आपकी क्या होती है, द्वकर्मिक क्रिया होती है। तो इसे हम बोलते हैं द्वकर्मिक क्रिया। अब एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। राम ने शाम को हंसाया। अब देखना क्वेश्चन पढ़ो और ये देखो राम ने किसको हंसाया, तो आप इसमें देखो राम ने शाम को, किसको, शाम को क्या करा, उसको हंसाया। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ मिल गए तो आप इसको क्या बोल सकते हो, द्विकर्मिक क्रिया बोल सकते हो। अब आपका सबसे लास्ट, अब आपने देखा होगा जितने भी आपने उपभेद पढ़े हैं क्रिया के, उनके शब्द से ही उनका मीनिंग दिखाई दे रहा है। तो अब आपका जो लास्ट वन होता है वो आपका होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में पढ़ा है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी के मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया। आपकी क्या होती है, सहायक क्रिया। तो क्या है, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है, जो काम आप कर रहे हो उसके साथ जब आप सहायक क्रिया को लगाते हो, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है कि भाई मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कि मुझे बताना है काम के साथ ना कौन से काल की बात हो रही है, तो उसी तरह सहायक क्रिया क्या होती है आपके इसमें क्रिया में, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखेंगे राम और श्याम दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए,
दिल्ली चले गए। तो देखो आपने क्या देखा, राम और श्याम कहाँ गए, चले गए कहाँ, दिल्ली, मुख्य क्रिया के साथ गए। यानी कि जब आप किसी भी मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया को लगाते हो तो वो आपका क्या होता है, आपके वो सहायक क्रिया होती है। तो देखो आपने पूरे ही चैप्टर में आज कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप ऐसे मिलेंगे जो कि आप इजीली पेपर में देख पाओगे और कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ रटा नहीं है, आपने चीज़ों को समझा है। यानी कि क्रिया क्या होती है, क्रिया होती है किसी भी कार्य का होना या करना, या किसी धातु का मूल रूप ही हमारी क्रिया होती है। फिर आपने पढ़ा कि भाई उसके प्रकार क्या होते हैं, तो हमारी क्रिया के जो प्रकार होते हैं सकर्मिक और आकर्मिक आपके प्रकार होते हैं। तो सकर्मिक में क्या है, जहाँ पर कर्म के साथ कार्य हो, क्रिया हो, तो वो हमारी सकर्मिक है। जिसमें कर्म की आवश्यकता ना, वो हमारा आकर्मिक है। फिर आपने उसके भेद पढ़े, भेद में आपने पढ़ा कि जो उसके उपभेद होते हैं, सॉरी, क्रिया के जो उपभेद होते हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, दूसरी आपकी पूर्वकालिक होती है, तीसरी आपकी नाम धातु होती है। उसके बाद आपने पढ़ा संयुक्त क्रिया, उसके बाद संयुक्त क्रिया पूर्व कर्मिक क्रिया, और लास्ट आपने पढ़ी सहायक क्रिया। तो देखो जो भी 6 चीज़ें आपने इसमें पढ़ी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इजीली चीज़ों को समझना है, समझने के बाद उसे रियलाइज करना है, अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। जहाँ पर भी उस सबसे रिलेटेड आपको आंसर मिलता है तो आप समझ जाओ कि ये कौन सी क्रिया है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिकली लेना है, और आप आराम से क्वेश्चन को देखते ही इसको सोल्व कर दोगे। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको वहाँ पर जो आपका टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको इतना नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ें फिर उसको समझे, नहीं, बस क्वेश्चन देख के अपने मन में एक बार विचार करना है ये पूछ क्या रहा है, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको सारी ही चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच।